दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी दिल्ली डायलॉग कमीशन के वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह जी हमारे दिल्ली के जितने विधायकगण यहाँ मौजूद हैं सभी हॉस्पिटल्स के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट्स मेडिकल डायरेक्टर्स एच की सीईओ रोशनी जी सभी अधिकारीगण सभी डॉक्टर्स नर्सेस पैरामेडिक स्टाफ आप सब लोगों को मेरा नमस्कार सबसे पहले मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि ये जो सेकंड वेव थी देश के लिए सेकंड वेव थी हमारे दिल्ली के लिए तो ये चौथी वेव थी इसका बड़ा संघर्ष और बड़े अनुशासन के साथ सब लोगों ने मिलके दिल्ली के दो करोड़ लोगों ने मिलके इसका सामना किया और इस पे काबू पाने में हम लोग सफल रहे इसमें यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी ने हमारे नर्सेज ने पैरामेडिक स्टाफ ने सफाई कर्मचारियों ने बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका अदा की कई कई डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ जो कई कई दिन तक अपने घर नहीं गए उन सब के प्रति दिल्ली की जनता के तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं इस चौथी वेव में ये बहुत भयंकर थी ये चौथी वेव बहुत भयानक थी आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पहली वेव आई थी उसकी पीक केसेस डेली केसेस लगभग साढ़े चार हजार के करीब थे जो दूसरी वेव सितंबर में आई थी पिछले साल उसमें लगभग छह हजार के करीब केस थे जो तीसरी वेव आई थी उसमें साढ़े आठ हजार डेली पीक थी और ये जो चौथी वेव आई थी इसमें साढ़े आठ हजार से एकदम से अट्ठाइस हजार केसेस डेली आ रहे थे और केवल नंबर ऑफ केसेस नहीं बढ़े बल्कि उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा सीवियर थी बहुत इस बार जो लोग बीमार पड़ रहे थे बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे थे और इस वक्त इस बार हमने कई सारे लोगों को खोया अगर आप चारों तरफ अपने लोगों से बातचीत करें तो ऐसा लगता है कि शायद ही ऐसा घर था जो करोना से अछूता रहा कोई ना कोई बीमार कहीं हर एक के घर में पड़ा और कई लोगों को अपने लोगों को लोगों ने खोया पर हम सब लोगों ने मिलके इसका मुकाबला किया और इसमें इंडस्ट्री का जो पार्टिसिपेशन था उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं खासतौर से रोशनी जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज इस मौके के ऊपर क्योंकि मुझे याद है जब कोरोना के बीच में हमें ज़रूरत पड़ी मैंने रोशनी जी को फ़ोन किया मैंने उनको कहा जी हमें 6000 हज़ार सिलेंडर चाहिए सो उन्होंने कहा कि हाँ हम बिल्कुल मदद करेंगे सो मैंने उनको कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया सो उन्होंने कहा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है हम भी दिल्ली वाले हैं हमारा फ़र्ज़ बनता है इसी तरह से दिल्ली वालों ने मिलके जिस तरह से एक साथ हाथ से हाथ बढ़ा के कंधे से कंधा बढ़ा के और भी बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं जिन्होंने इसमें हम लोगों की मदद की उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और दिल्ली की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं अब अपने को थर्ड वेव का डर है और जो यूके से इंग्लैंड से जो संकेत मिल रहे हैं वहां पे ऑलरेडी थर्ड वेव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है वहां पे केसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं इसके बावजूद कि वहां पे 45 परसेंट वैक्सीनेशन लग चुका है फिर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं बता रहे हैं इंटेंसिटी कम है तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपने को हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना अपने को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी और वही तैयारी पूरी शिद्दत के साथ आपकी सरकार कर रही है हम लोग हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे ये जो फोर्थ वेव आई थी दिल्ली की इस दौरान कुछ ऐसी कमियां हम लोगों की महसूस होती हैं जैसे ऑक्सीजन की सबसे बड़ी हमारे को किल्लत हुई दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है तो दिल्ली अपने से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता दिल्ली के अस्पतालों में जो ऑक्सीजन चाहिए दिन में वो बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है वो बाहर से आती है दिल्ली के बाहर से आती है लेकिन जब कोरोना का हुआ तो दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई डेली रोजाना दिल्ली में जब कोरोना नहीं होता है उस वक्त डेढ़ सौ से दो सौ टन ऑक्सीजन की जरूरत उससे भी कम ऑक्सीजन की जरूरत अस्पतालों में होती है मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत 150 टन के करीब होती है बाकी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत जरूरत होती है और जब कोरोना हुआ तो एक दिन में 700 टन ऑक्सीजन तक बिकॉज जो भी मरीज जा रहा था उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी जो भी मरीज जा रहा था उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी एकदम से सात टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई अब सात टन ऑक्सीजन एकदम से कहा से आए ना हमारे पास प्रोडक्शन थी ना हमारे पास टैंकर थे केंद्र सरकार ने अगर हमें कह दिया कि चलो हरियाणा से ले आओ उत्तर प्रदेश से ले आओ तो लाने के लिए टैंकर नहीं थे हमारे पास बहुत ज्यादा दिक्कत आई हमें तो अब अपने को तैयारी करनी है हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते तीसरी वेव आने के चांसेस काफी रियल हैं जब तीसरी वेव आएगी तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बीच में कुछ हमने कुछ नहीं किया तो आपकी सरकार इस वक्त युद्ध स्तर के ऊपर काम कर रही है अभी परसों ही मैं आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स का उद्घाटन करके आया क्योंकि दिक्कत एक ये हुई कि ऑक्सीजन अगर बाहर से आ भी जाए कहीं से मान लीजिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाए तो उसको स्टोर करने की टन तो ईच के हम लोगों ने इनोग्रेशन किए परसों दो लगभग साढ़े तेरह टन के हमने दो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनोग्रेशन किए और आज मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के नौ अस्पतालों में लगभग 22 ऑक्सीजन प्लांट इनोग्रेट किए जा रहे हैं इनकी कंबाइंड कैपेसिटी 17 टन के करीब है तो 22 ऑक्सीजन प्लांट ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है बहुत बड़ा आ, काम है इसमें जितने भी लोगों का सहयोग है सभी हॉस्पिटल्स का एच का मारुति का सभी इंजीनियर्स का पीडब्ल्यू का मैं सब लोगों को आपको बधाई देता हूं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इतने कम समय में महीने डेढ़ महीने के अंदर आपने 22 प्लांट शुरू कर दिए अब टोटल 27 प्लांट अपने चालू हो गए दिल्ली के अंदर इसके अलावा छह प्लांट केंद्र सरकार ने चालू कर दिए और सात और प्लांट केंद्र सरकार के आने वाले हैं मैं केंद्र सरकार का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं कि ये कोरोना इतनी बड़ी बीमारी है कि इसको हम अकेले नहीं लड़ सकते हम सब मिलकर लड़ना पड़ेगा इसमें हमें काफी सहयोग मिला मैं केंद्र सरकार का भी अदा, कर, अदा करना चाहता हूं और जुलाई के महीने में और सत्रह प्लांट्स जुलाई के महीने तक लग जाएंगे इसके अलावा ऑक्सीजन टैंकर भी हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं ताकि अगली वेव आए तो टैंकर्स की भी कमी अपने को नहीं होनी चाहिए तो जो भी कई सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि थर्ड वेव ना आए और उसके पहले हम लोग वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमारा अच्छा चल रहा है केवल जब वैक्सीन की कमी होती है तब दिक्कत आती है अदरवाइज हमारा जहां वोट वहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो पिछले हफ्ते शुरू किया गया था वो बहुत अच्छा चल रहा है तो मैं आप सब लोगों को फिर से बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि थर्ड वेव ना आए और अगर आए तो हम इसी तरह से मिल के उसका भी सामना करेंगे नमस्कार